चलिए बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो इन्वर्जन है, जो आपके एग्जाम्स में रेगुलरली आपको दिया जाता है। और हम सबसे पहले एक वाक्य देखते हैं कि किस तरीके से इसके से संबंधित क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। वाक्य है आपका हार्डली वाक्य है आपका, ठीक है। इस वाक्य में आपको एरर फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी एरर यहां पे है, कौन से पार्ट में है। तो जब भी किसी वाक्य में हार्डली हो, स्कैर्सली हो, नो सूनर वगैरह हो, तो वहां पे हमें यह देखना होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले है कि नहीं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट से पहले आपने हेड लिया हुआ है। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि इसको जो कंबाइन किया गया है, जोड़ने का कार्य किया गया है, वो वेन से किया गया है, यानी इस पार्ट में कोई एरर नहीं आपको है। ये जो चीज आपको दिखाई जा रही, जो सेंटेंस आपको दिया गया है, ये इन्वर्जन का एक पार्ट होता है। एक और वाक्य हो सकता है आपका, अवे गोज मोनिका। यहां आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है मोनिका, उसके पहले हमने पूरी वर्ब ले ली है। ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये इन्वर्जन को मॉडिफाई करते हैं, उसे दिखाते हैं कि किस तरीके से हम वाक्यों को इन्वर्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वर्जन है, जो हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इन्वर्जन। एक शब्द आप जानते हैं, वो शब्द है इन्वर्ट। इन्वर्ट मीन्स होता है किसी चीज को पलट देना, पलट देना। इसी इन्वर्ट से बनाया गया इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स सेंटेंस के क्रम को पलट देना, अर्थात वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। तो जो इन्वर्जन की डेफिनेशन है, अगर उसको आप समझेंगे तो सबसे पहले ये मन में आ जाएगा तुरंत आपके कि इन्वर्जन वो होता है जब हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। ये दो स्तरों पे होता है। एक स्तर ये हो सकता है कि सब्जेक्ट से पहले हम केवल हेल्पिंग वर्ब रखें, और दूसरा स्तर ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम मेन वर्ब ही रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब रखते हैं। ये दोनों जो स्तर होते हैं ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कभी कभी हम सेंटेंसेस को बहुत इम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। जो एडवर्ब्स हमको वाक्य के अंत में या बीच में रखना चाहिए, उन एडवर्ब्स को हम वाक्य के आरंभ में रख देते हैं ताकि हम उसके द्वारा वाक्य के भाव पे जोर दे सके, इंफेसाइज कर सके। इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे अगर किसी को कहना हो कि सचिन आ रहे हैं, इस वाक्य को आप देखेंगे नॉर्मल सेंटेंस है आपका, सचिन आ रहे हैं। लेकिन अगर हमको यह कहना हो वो आ रहे हैं सचिन, तो कहीं कहीं वाक्य को हम इंफेसाइज ज्यादा कर रहे हैं। ये जैसे हमने कहा वो आ रहे हैं सचिन, तो आप ध्यान से देखें कि हमने वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा कर दिया है। जब हमने बोला था सचिन आ रहे हैं, तो यहां हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया था, फिर हमने वर्ब ले थे। लेकिन जब हमने कहा वो आ रहे हैं सचिन, तो हमने पहले वर्ब ले ली और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिया। यही चीज इंग्लिश में इन्वर्जन के रूप में जानी जाती है कि जब हम किसी एडवर्ब को पहले रख करके फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रखते हैं और फिर उसका सब्जेक्ट रखते हैं, तो यही इन्वर्जन कहलाता है। अगर डेफिनेशन की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है जिसमें हम वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को मेन सब्जेक्ट के हम पहले रख देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कुछ सेंटेंसेस को तो हम ये चीज समझ पाएंगे।
देन आई केम, ठीक है, ये वाक्य है नो सूनर डिड ही गो देन आई केम। वास्तव में होना क्या चाहिए था, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए था और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बाद में होनी चाहिए थे, लेकिन ध्यान से देखें आप, सब्जेक्ट बाद में है और हेल्पिंग वर्ब पहले है, यही इन्वर्जन है। या फिर ये वाक्य देखें, इस वाक्य में भी देखें, सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद में है और हेल्पिंग वर्ब पहले है, ये दोनों जो वाक्य हैं ये इन्वर्जन के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले कि एक इन्वर्जन कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। इन्वर्जन दो प्रकार से किया जाता है, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। जो पार्शियल इन्वर्जन है, यहां पे हमको यह समझना है, पार्शियल इन्वर्जन को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब को ही हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अगर हम पार्शियल इन्वर्जन का एग्जाम्पल लें तो वो एग्जाम्पल ये हो सकता है, सेल्डम डज ही कम। यहां हमने सब्जेक्ट ही लिया है और इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख ली है, यानी ये जो इन्वर्जन का तरीका है वो हमारा पार्शियल इन्वर्जन का है। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, ये देखें, इन केम मोहन, यानी मोहन हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ही पूरी वर्ब हमने रख ली है, मेन वर्ब रख ली है। तो जब हम एक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखें फिर मेन वर्ब रखें, ये हमारा पार्शियल इन्वर्जन होता है, और जब हम सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब रख देते हैं तो फिर हमारा ये कंप्लीट इन्वर्जन होता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कब हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं और कब हम कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि ये जो भी इन्वर्जन होता है ये किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को वाक्य के आरंभ में रखने पर हो सकता है। कभी कभी एडजेक्टिव्स को भी वाक्य के आरंभ में रखते हैं तो भी इन्वर्जन होता है। हमें जो जानना है वो ये है कि कब हम पार्शियल इन्वर्जन करें और कब हम कंप्लीट इन्वर्जन करें। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे, ऐसे एडवर्ब्स होंगे जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि यहां पे हमको पार्शियल इन्वर्जन करना होगा, और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको देख के हम कह सकते हैं कि यहां पे हमको कंप्लीट इन्वर्जन होता करना है। यही चलिए आइए देखते हैं कब पार्शियल इन्वर्जन और कब कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं। ये है पार्शियल इन्वर्जन, यानी एक ऐसी अवस्था जब हमको पार्शियल इन्वर्जन करना हो तो उसी को हम जाने कि कब हमको पार्शियल इन्वर्जन करना है। सेल्डम आ जाए वाक्य के आरंभ में
तो पार्शियल इन्वर्जन करें आप, हार्डली आ जाए, स्कॉर्शली आ जाए, बेयरली आ जाए, रेयरली आ जाए, नो सूनर आ जाए, नेवर आ जाए, एट नो टाइम आ जाए, ऑन नो कंडीशन आ जाए, इन नो वे आ जाए, ओनली यस्टरडे आ जाए, ओनली टुडे आ जाए, ओनली टू डेज एगो आ जाए, ओनली देन आ जाए, ओनली वेन आ जाए, टू सच अ डिग्री आ जाए, सो आ जाए, इनमें से अगर कोई भी शब्द, इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको वाक्य के आरंभ में दिखाई दे, तुरंत समझ जाए हमको पार्शियल इन्वर्जन करना है। फिर से देख लें कौन कौन से शब्द, अगर हमारे वाक्य की शुरुआत सेल्डम से हो जाए, हार्डली से हो जाए, स्कैर्शली से हो जाए, बेयरली से हो जाए, रेयरली से हो जाए, नो सूनर से हो जाए, नेवर से हो जाए, एट नो टाइम से हो जाए, ऑन नो कंडीशन से हो, इन नो वे हो, वनली यस्टरडे हो, वनली टुडे हो, वनली टू डेज एगो हो, वनली देन हो, वनली वेन हो, टू सच अ डिग्री हो, सो हो, इनमें से कोई भी शब्द या कोई भी एडवर्बियल अगर वाक्य के आरंभ में आए तो हमें हमेशा पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करना होगा। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे आप कि हमें मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है और फिर मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है। अब हम देखते हैं कि अगर ये शब्द आरंभ में आ रहे हैं तो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा एरर को और किस तरीके से एग्जाम्स में इन्हें दिया जाता है। ये वाक्य है आपका, ठीक है, इस वाक्य को ध्यान से देखें, हार्डली ही हैड कॉल्ड मी व्हेन आई केम। हमने देखा कि वाक्य के आरंभ में हमारी हार्डली है, जैसे हमने देखा हार्डली है, इट मीन्स ये निश्चित हो गया कि हमें पार्शियल इन्वर्जन करना है। पार्शियल इन्वर्जन करना है इट मीन्स जो हैड हेल्पिंग वर्ब ही के बाद है इसे यहां ले आना है, तो वाक्य हमारा हो जाएगा फिर हार्डली Had he called me when I came। अभी वाक्य आपका सही है, एक और ध्यान रखिएगा, चाहे वो हार्डली हो, चाहे स्कैर्शली हो, चाहे रेयरली हो, चाहे बेयरली हो, इनका जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है वो हमेशा वेन होता है, और जो नो सूनर होता है उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो होता है वो देन होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, No sooner he came than his father called him। ध्यान से देखें, जैसे आपने देखा कि वाक्य के आरंभ में no sooner आया हुआ है, it means हमें वाक्य को helping verb को पहले करना होगा। तो हमारा जो tense यहां पे है वो past indefinite है,
तो जब हम इसे हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हमें डिड पहले रखना होगा, ये वाक्य ये हो जाएगा। ये वाक्य हो जाए। एक और चीज है, अगर हम चाहें तो इन वाक्यों को दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये वाक्य देखें, ये हमने कहीं पे भी हार्डली वाक्य के आरंभ में नहीं लिया, इसलिए जो हेड है वो सब्जेक्ट के बाद है, क्योंकि यहां पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है। यही वाक्य इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां देखिए नो सूनर हमने बीच में रख लिया, यहां कहीं हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहां पे हम कोई भी इन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ये साधारण तरीके से बनाए हुए वाक्य हैं। इतने से हमने शायद ये समझा हो कि अगर हमारे वाक्य के आरंभ में नो सूनर आ जाए, हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, इन नो वे आ जाए, या अन नो कंडीशन आ जाए, एट नो टाइम आ जाए, सो से कोई वाक्य शुरू हो जाए, तो इन सारे वाक्यों में हमें पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है। तो अगर हम इन सारे वाक्यों को अब देखें तो शायद हम इन्हें पूरा कर सकते हैं। चलिए ये पांच वाक्य है हमारे पास और हम देखें इनमें क्या कमियां हो रही। जैसे हमने देखा कि वाक्य सो से शुरू है, सो वेल से, इसका मतलब कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, यानी ये वाक्य होना चाहिए था सो वेल डिड ही, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है ये, सो वेल डिड ही फिनिश हिज वर्क दैट हिज फादर बिकेम हैप्पी। दूसरा सेंटेंस हमारा है वनली यस्टरडे, जैसे हमने देखा कि वाक्य वनली यस्टरडे से शुरू है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी चाहिए थी, वनली यस्टरडे डिड ही कम हो जाएगा। तीसरा वाक्य है सेल्डम वी गो देयर, जैसे हमने देखा कि वाक्य के आरंभ में सेल्डम है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी होगी, तो सेल्डम डू वी गो देयर हो जाएगा। ऑन नो कंडीशन ही विल हेल्प यू, जैसे हमने देखा कि ऑन नो कंडीशन है तो यहां पे हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, ऑन नो कंडीशन विल ही हेल्प यू। नेवर ही हैज कम, जैसे हमने देखा वाक्य के आरंभ में नेवर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले करना होगा, नेवर हैज ही कम हो जाएगा। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये सारे मैंने आपको पार्शियल सेंटेंसेस से संबंधित जो हमारी कमियां होती हैं उनके थ्रू आपको दर्शाने की कोशिश की है
कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करें कि कहां पे गलती दी जा रही है। अब हम यह देखेंगे कि हम एक कंप्लीट इन्वर्जन कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले यह जानें कि कंप्लीट इन्वर्जन क्या है। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा कि जो हमारी मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आएगी, मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही हमको पलट देना है। यही कंप्लीट इन्वर्जन कहलाता है। जैसे कोई कहे इन केम राधा, यानी अंदर आई राधा। यहां पूरा स्ट्रक्चर देखें, वास्तव में वाक्य क्या होना चाहिए था, राधा केम इन, लेकिन हमें इन्वर्जन के कारण पूरा स्ट्रक्चर क्या करना पड़ा, पलट देना पड़ा, हो गया राधा केम इन को हमने इन केम राधा में परिवर्तित कर दिया। तो हम यह देखते हैं कि कंप्लीट इन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है, हम ये देखें कंप्लीट इन्वर्जन जो है वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर के हमको कंप्लीट इन्वर्जन करना होता है। तो सबसे पहले ये मन में बना लें, कंप्लीट इन्वर्जन तभी होगा जब हमें एडवर्ब ऑफ प्लेसेस दिए गए हो। वो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे आपने इन ले लिया, आउट ले लिया, इनसाइड ले लिया, आउटसाइड ले लिया, अप स्टेयर्स ले लिया, डाउन स्टेयर्स ले लिया, राउंड द कॉर्नर ले लिया, हियर ले लिया, देयर ले लिया। ये सारे शब्द आप देख रहे होंगे, सारे जो हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। अगर ये वाक्य के बीच में या लास्ट में है तो आपको कहीं से भी इन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, लेकिन अगर ये वाक्य के आरंभ में आ रहे हैं तो फिर आपको कंप्लीट इन्वर्जन करना होगा, अर्थात मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इनको। राम गोज देयर, आप देख रहे होंगे यहां पे देयर हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को बाद में लिया है, यहां कोई गलती नहीं, राम गोज देयर। लेकिन अगर इसी देयर को उठा के वाक्य को इम्फेसाइज करने के लिए और इम्फेसिस डालने के लिए हमने यहां लिख लिया, अब हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां हो गया, पहले आ गया। जब जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस आया अब हमको इन्वर्जन करना होगा, क्योंकि देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए हमारा जो इन्वर्जन होगा वो कंप्लीट इन्वर्जन होगा, यानी पहले वर्ब आ जाएगी फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो वाक्य हो जाएगा देयर गोज राम, ये हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही कम्स हियर, ठीक है, ही कम्स हियर में देखिए हियर बाद में है, कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमको एक चीज और यहां समझनी, ये ध्यान में रखना कि प्रोनाउन के साथ कभी भी हमारा इन्वर्जन नहीं होगा। अगर हमको इस वाक्य को इन्वर्जन में करना होगा तो ध्यान रखिएगा, ये वाक्य होगा हियर ही कम्स, यहां आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्योंकि कंप्लीट इन्वर्जन होने के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन न होकर के नाउन होना चाहिए, यह ध्यान में रखना होगा। अब हम एक और वाक्य लिखते हैं, रमेश कम्स हियर, हमने अब हियर को यहां कर लिया, हियर कम्स रमेश, ये हमारा कंप्लीट इन्वर्जन है। यानी अगर कभी भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर वाक्य के आरंभ में आ रहा है तो हमारा जो इन्वर्जन होगा वो हमेशा कंप्लीट इन्वर्जन होगा। लेकिन ध्यान में रखने की चीज ये है,
कि कंप्लीट इन्वर्जन होने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वह कोई प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, वह नाउन होना चाहिए, तब हम इसको कंप्लीट इन्वर्जन में बदल सकते हैं। एक और वाक्य लेते हैं, रोमा वेंट अवे। आप देख रहे होंगे अवे एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है लेकिन वाक्य के अंत में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाक्य सही है आपका, लेकिन अगर उसी एडवर्ब ऑफ प्लेस को हमने वाक्य के आरंभ में कर दिया अवे, अब हमारा स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा, अवे वेंट रोमा हो जाएगा। ये इन्वर्जन है, आप देख रहे होंगे पूरा कंप्लीट इन्वर्जन हो गया, टोटल सीक्वेंस ही जो क्रम है वाक्य का वो उलट गया है, पलट गया है, इसीलिए इसको इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि हम इसका जो स्ट्रक्चर है इसे पलट दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं, इन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसीलिए यह इन्वर्जन है। तो हमने इतना समझा होगा कि इन्वर्जन जो है वो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखने वाली क्रिया को कहते हैं। इन्वर्जन दो प्रकार का होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में हम केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को हम सब्जेक्ट से पहले रख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। ये सेंटेंस सही है अगर हम देखेंगे ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, और अगर हमको इसका इन्वर्जन भी करना होगा तो ध्यान रखिएगा इन्वर्जन ये होगा हमारा आउटसाइड ही वाज स्टैंडिंग। समझ रहे हैं क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इन्वर्जन होने की पहली शर्त है कि हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन न होकर के नाउन होना चाहिए, और यहां पे क्या है, प्रोनाउन है, तो हमें स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं करना। लेकिन अगर ये वाक्य होता साहिल वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, अब आप पूरा इन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे, आउटसाइड वाज स्टैंडिंग साहिल, यानी ये हमारा कंप्लीट इन्वर्जन है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो एक नाउन था, तो हम कंप्लीट इन्वर्जन कर सकते हैं। तो फिर से एक रिमाइंडर के रूप में ले, हम पार्शियल इन्वर्जन कब करते हैं, जब किसी वाक्य की शुरुआत हमारी हार्डली से हो, स्कैर्सली से हो, रेयरली से हो, बेयरली से हो, नो सूनर से हो, वनली से बने हुए किसी एडवर्बियल से हो जाए, नो से बने हुए किसी एडवर्बियल से हो जाए, नेवर से हो, नॉट से हो, इन नो वे हो, ऑन नो कंडीशन हो, एट नो टाइम हो, सो से बना हुआ कोई हो, इन सब के साथ हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। अगर हमारा वाक्य किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो रहा है और हमारा सब्जेक्ट जो है वह नाउन है, तो हम कंप्लीट इन्वर्जन कर सकते हैं। वो शब्द हियर हो सकता है, वो शब्द देयर हो सकता है, वो शब्द इन हो सकता है, वो शब्द आउट हो सकता है, वो शब्द इनसाइड हो सकता है, वो शब्द आउटसाइड हो सकता है, वो शब्द डाउन स्टेयर्स हो सकता है, वो शब्द अप स्टेयर्स हो सकता है। तो अगर ये शब्द हैं, ये एडवर्बियल्स हैं, जो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं, तो हमें कंप्लीट इन्वर्जन करना होता है। एक और चीज देखते हैं जो अक्सर हमारी एग्जाम्स में हमको दिया जाता है, ये वाक्य है आपका, ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गीत गाया, एंड आई सैंग टू, और मैंने भी गाया। लेकिन अगर हम इसे एग्जाम्स के पर्पस से देखें तो हमारा ये वाक्य गलत है। ये वाक्य ये होना चाहिए था, ही सैंग अ सॉन्ग एंड सो डिड आई। ये वाक्य हमारा है,
यही वाक्य हमारे एग्जाम में ऐसे हमको दे दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, He sang a song and so did I, यानी उसने गीत गाया और मैंने भी ऐसा ही किया। यही चीज नीदर और नार से भी हो सकता है। He did not sing a song and nor I did. जैसे ही बीच में आप देख रहे हैं नार से आपकी क्लॉज शुरू हो रही है, तो फिर वाक्य आपका यही होना चाहिए था। ये वाक्य होना चाहिए था कि He did not sing a song, nor did I हो जाएगा। ये वाक्य आपका, तो नीदर के द्वारा, नार के द्वारा और सो के द्वारा भी हम इन्वर्जन करते हैं। अगर किसी वाक्य की शुरुआत आप देखेंगे नीदर से हो रही है, नार से हो रही है या फिर सो से हो रही है, तो वहां पे भी हम इन्वर्जन का या पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक और चीज देखते हैं यहां पर, He said, I am going. Manoj said, I am going. ये sentences देख रहे होंगे आप, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको भी हम कभी कभी देखते होंगे ऐसे लिखा होता है, ठीक है, आपको देख के लगेगा वाक्य सही है, बट हमेशा याद रखें आपने तो क्रम पलट दिया है ना। जब आपने क्रम पलट दिया है यह इन्वर्जन की श्रेणी में आएगा, और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, नाउन है एक, तो हमारा वाक्य ये होना चाहिए था आई एम गोइंग मनोज सेड के बजाय ये वाक्य होना चाहिए था सेड मनोज, ये होना चाहिए। यानी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं इनमें भी आप इन्वर्जन कर सकते हैं। एक वाक्य फिर से देख लें, क्या आपको लगता है ये वाक्य सही है? नहीं सही है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर हमने, जो रिपोर्टेड क्लास हमारी है वो पहले आ गई और जो रिपोर्टिंग है वो बाद में है, तो हमारा वाक्य होना चाहिए था ये वाक्य होना चाहिए था। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट हमारा नाउन ना होकर के प्रोनाउन होता तो Now there is no error. अब कोई भी error नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो subject है वो कोई noun ना होकर के pronoun है, और मैंने already कहा हुआ है कि pronoun के साथ हम किसी प्रकार का कोई inversion नहीं करते हैं, ये वाक्य हमारा सही है। लेकिन अगर यहीं पे noun था तो फिर ये वाक्य ऊपर वाला गलत था, आपको noun के साथ inversion करना होगा, तो said Roma होगा न कि Roma said हो जाएगा। तो एक conclusion के तौर पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि inversion वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमें किसी सेंटेंस को एडवर्ब्स को पहले रख करके जोरदार बनाने की या एम्फेसाइज करने की आवश्यकता होती है। इन्वर्जन दो प्रकार का होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। जो पार्शियल इन्वर्जन है उसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, और जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है उसमें मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं।
पार्शियल इन्वर्जन तब करते हैं जब हमारे पास हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नेवर, नॉट, वनली से बने हुए एडवर्ब्स जैसे शब्द होते हैं, और कंप्लीट इन्वर्जन तब करते हैं जब हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेसेस जैसे हियर है, देयर है, इन है, आउट है, इनसाइड है, आउटसाइड है, इनके साथ हम कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब अगर इस कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जाए तो आप आराम से उन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पोर्शन में एरर दिया गया है। मैं 2-3 सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप देख लें, कर लेंगे आप। ये 4 सेंटेंसेस हैं, आप देख रहे होंगे, आप इनमें आराम से कर सकते हैं। जैसे आपने वनली टुडे देखा, इट मीन्स हमारा ये पोर्शन गलत है, या हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले करना चाहिए था, वनली टुडे डिड ही कम हो जाएगा। जैसे सो वेल आपने देखा कि वाक्य के आरंभ में सो वेल है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए, सो वेल डिड आई वेलकम हिम दैट ही बिकेम हैप्पी। नेवर जैसे हमने देखा वाक्य के आरंभ में, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, नेवर इन माई लाइफ हैव आई बीन सो हैप्पी हो जाएगा। जैसे वाक्य के आरंभ में सेल्डम आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी, सेल्डम डू वी गो देयर। तो ये इन्वर्जन है बच्चों, जिसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिशन में दिए जाने वाली जो कॉमन एरर्स होती हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखें कि पार्शियल इन्वर्जन का तरीका अलग होता है और कंप्लीट इन्वर्जन का तरीका अलग होता है। तो अगली बार मैं आपके लिए पॉजिटिव वर्ब से संबंधित वीडियो इसमें शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप अपनी एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।